अंतःस्रावी ग्रंथियों पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट फोर है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न 41, सूची एक को सूची दो से, सूची एक में दिया है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, सूची दो में स्रावित होने वाले हार्मोन दिए गए हैं। ठीक है, इसको हमको सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, तो लिस्ट वन में जो ए है जनन ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है अग्नाशय, डी है अधिवृक्क। लिस्ट दो में फर्स्ट है इंसुलिन, सेकेंड है प्रोजेस्टेरोन और थर्ड है वृद्धि हार्मोन, फोर है कॉर्टिसोन। ठीक है, तो इसको हमको मैच करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जनन ग्रंथि, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, वो क्या होता है, जनन ग्रंथि से स्रावित वहाँ होने वाला हार्मोन है। ठीक है, और जो वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और जो इंसुलिन है यह अग्नाशय से होता है, इसे मैं कई बार बताया हूँ, और जो कॉर्टिसोन होता है ये अधिवृक्क से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए, ये हो गया ए का टू, बी का थ्री और सी का वन, डी का फोर। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो जनन ग्रंथि से पोजे ये इधर आ गया है, जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, ये अग्नाशय से इंसुलिन और अधिवृक्क से कार्टिसोन उत्पादित होता है या मुक्त होता है, ये कहें हम लोग। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो जो इंसुलिन हार्मोन ये किससे होता है, पैनक्रीज से होता है, इसे कई बार हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो एड्रेनल मॉड्यूलर रहता है ना, ये क्या करता है, ये जब भय तनाव की स्थिति होती है तब हार्मोन उत्पन्न करता है। इस पर एक मूवी भी बहुत अच्छा बना है एड्रेनल हार्मोन पर, जिसमें, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो इसका सही जो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इनका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन कहते हैं, इसे 3F मतलब कि फियर फाइट और फ्लाइट ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन सी है ट्राइप्सिन, ऑप्शन डी है लाइपेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो रेनिन होता है, रेनिन जो होता है वो जठर रस में रेनिन एंजाइम अक्रिय प्रोलिन के रूप में पाया जाता है, जिसे HCl अम्ल सक्रिय रेनिन के रूप में बदल देता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जो ये रेनिन है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि रेनिन एंजाइम का मुख्य कार्य दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसिन को ठोस एवं अघुलनशील कैल्शियम पूरा सीनेट में डालकर दूध को दही में परिवर्तित करना है, जिससे इसके प्रोटीन पर पेप्सिन एंजाइम क्रिया कर सके। अगला प्रश्न है, रेनिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम के द्वारा कौन से किस चीज़ का पाचन होता है ये बताना है। तो अभी हमने देखा कि देखिए, प्रश्न रिपीट करने से तात्पर्य ये है कि आपको ये जो याद हो जाए इसके आंसर। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम के द्वारा जो पाचन होने वाला है वो क्या होता है, मिल्क अर्थात मिल्क प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न, एंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए एंजाइम है, ऑप्शन बी कवकनाशी, ऑप्शन सी एमिनो एसिड, ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, जो एंडोल एसिटिक अम्ल है ना वो क्या है, एक ऑक्सिन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, एंडोल एसिटिक अम्ल IIA प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला बहुत सामान्य ऑक्सिन वर्ग का पादप हार्मोन है। ऑक्सिन ऑक्सिन वर्ग के अन्य हार्मोन की तरह यह पादपों में
कोशिका के वृद्धि और कोशिका विभाजन को प्रेरित और नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? ठीक है, मतलब कि हमारे आंखों से आंसू निकालने में कौन सी ग्रंथि का रोल होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है लैक्रामाइल लैक्राइमल ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है अवटु अर्थात थायराइड ग्रंथि, और ऑप्शन डी है पैराथायराइड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लैक्राइमल। जो लैक्राइमल ग्लैंड रहता है ये क्या करता है, अश्रु ग्रंथि अश्रु स्रावित करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो लैक्रिमल ग्रंथि एक जोड़ी बादाम के आकार की बहिस्रावी ग्रंथि है जो आंखों के ऊपरी हिस्सों में स्थित होता है। ठीक है, इसमें तीन प्रकार के अश्रु उत्सर्जित होते हैं। पहला बेसल, ये जो होता है एक सामान्य तरल की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो दूसरा होता है वो रिफ्लेक्स होता है जो कि बाहरी धूल कण तेज हवा तेज बिजली आदि के कारण उत्सर्जित होता है। ठीक है, और जो तीसरा होता है इसका प्रकार इमोशनल होता है, यह तनाव या भावनाओं से जुड़ी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेक्रेटिन है, ठीक है, तो सेक्रेटिन क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी उत्सर्जी पदार्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो सेक्रेटिन है एक तरह से क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि सेक्रेटिन एक हार्मोन है जो आंत से स्रावित होता है, अग्नाशय को अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है? ठीक है, ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी पाचन ग्रंथि, ऑप्शन सी उत्सर्जन ग्रंथि, और ऑप्शन डी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो सेल्वरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि होता है यह क्या है, रूपांतरित रूप है। रेशम ग्रंथि लार ग्रंथि के रूपांतरित रूप है। विभिन्न प्रजातियों ने लार के विशेष उपयोग विकसित किए हैं जो पूर्व पाचन से परे हैं। कुछ प्रजाति अपने चिपचिपे लार का उपयोग घोंसले का निर्माण करने के लिए करती हैं। मकड़ियों और केचुओं जैसे कि कुछ संधिपाद प्राणियां लार ग्रंथियों से धागा भी बनाते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंसुलिन है, ठीक है, बताना है कि इंसुलिन क्या चीज़ है। ऑप्शन ए स्टेरॉयड, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी फैट अर्थात वसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। जो इंसुलिन है एक तरह से हार्मोन है, हार्मोन और एक देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है और जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रोटीन। इंसुलिन अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड है। इंसुलिन से अल्प श्रावण में मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। जब रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के उपयोग में नहीं आ पाता तब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, इसी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ और भी हम ऐसे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।